नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। कस्बा महरौनी के नाराहट रोड स्थित एक ढाबा पर रविवार की शाम खाना खाने गए एक युवक के साथ आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने हॉकी और बेसबॉल के डंडों से मारपीट कर दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद सभी हमलावर मौके से रफू चक्कर हो गए। इसकी जानकारी पाकर युवक का मामा मौके पर पहुंचा और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी उपचार हेतु भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए ललितपुर रेफर कर दिया। इस मामले में पीड़ित द्वारा कोतवाली महरौनी पुलिस को एक तहरीर दी गई है, जिसमें तीन नामजद आरोपियों के साथ चार अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को पंजीकृत करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। क्या है पूरा मामला, किस वजह से हुआ विवाद, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। क्या नाम है तुम्हारा? कल्लू राजा। कहाँ के हो कल्लू? हम हैं तो जालौन के रहने वाले, लेकिन रहते हैं महरौनी में। कहाँ रहते हो महरौनी में? मामा के पास रहते हैं। मामा के यहाँ रहते हो? मामा के यहाँ रहते हैं। ये क्या घटना हो गई है? यहाँ ढाबा पे खाना खाने गए थे हम। कौन सी ढाबा पे? जो सतीश मामा के ढाबा पे खाना खाने गए थे, नाराहट रोड। हाँ, नाराहट रोड पे। हाँ, तो क्या हुआ? 6-7 लोग आ गए, मारपीट करने लगे, हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद फिर हमें पता नहीं है कुछ। हाँ, तो फिर यहाँ अस्पताल और कोतवाली कौन लाया? उठा के लाए थे बबलू मामा। अच्छा, तो हमें ये बताएं, झगड़ा किस बात पे हुआ है? कुछ बात नहीं ना, कुछ बात ना चीत, कुछ बात नहीं हुई। कोई पहले से कोई विवाद इनसे या कोई बात हुई? नहीं, हमारी तो किसी से लड़ाई भी नहीं होती कभी भी। हाँ, किसी से बहस। क्या काम करते हो तुम? हम रसीदें काटते हैं। रसीदें काटते हो? और क्या, काय की रसीदें? नगर पालिका। अच्छा अच्छा, नगर पंचायत वाली, कह बाजारी की। ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की? हम उन्हें पहचानते ही तो नहीं है, बिना आके और मारपीट कर दी है सीधे। पहचानते नहीं हम उन्हें। अमरेंद्र कौन था आपके साथ में? कौन था? जो थे शिवा भाई। शिवा, अमरेंद्र, रानू, हाँ, दीपू, हाँ, और उनके सहयोगी दोस्त थे। हाँ, हाँ, तो मेरे भाई को मारा। हाँ, हाँ, आप वहीं थे? हाँ, इनको पहचानते हो जिन्होंने मारा है? हाँ, हाँ। किस बात पे हुआ झगड़ा? कुछ नहीं जी, हम लोग खाना खा रहे थे तो लड़ाई दूसरे से हुई। लड़ाई उन लोग इनके दोस्त थे तो उनसे हो रही थी लड़ाई। हाँ, हाँ, और इनके लिए तुम इनके दोस्त हो तो इनके लिए मारो। अच्छा, इनके लिए मार दिया। हाँ, कौन सा वो दोस्त है तुम्हारा जिससे लड़ाई हुई उन लोगों की? बीरू और बीकन। ये कहाँ के हैं ये? बीरू पाली, बीकन जखोरा। अच्छा अच्छा, इनसे मुख्य लड़ाई हो रही थी? उनकी हो रही थी मुख्य लड़ाई, और आपको बीच में आके खाना खा रहे थे। कोतवाली में वो दे दी है? दे दी है। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा फ्रैक्चर है ना जी हमारा। अच्छा, यहाँ हड्डी टूट गई। ये मारा किस चीज से है आपको? बॉल के बल्ला, हॉकी वगैरह ये सब लाए थे, मारा हमको। हथियारों के साथ थे वो लोग। हथियार क्या लिए थे? हथियार डॉस बॉल का बैट और गन भी थी शायद उनके पास, उसमें रखे थे। 315 रुपए कट्टा था। हाँ, कट्टा भी लिए थे। उनके सहयोगी थे और हथियार वगैरह रखे थे वो लोग। मारने पे ज्यादा ही वो हो गए थे। अनु राजा, अमरेंद्र राजा और दीपू राजा पहले नंबर आए वहाँ पर, तो गाड़ी लिए थे भाई, अपनी गाड़ी लिए थे जिप्सी, तो वो दारू पी रहे थे वहाँ पर, खाना खा रहे थे, उतर के आए तो गाली गलौज करने लगे, और बीरू राजा से उनकी लड़ाई हुई। हाँ, और मतलब गुस्सा उन लोगों ने मेरे भाई पे कर दिया, मतलब उनको मारा बहुत ज्यादा। कितने बजे की घटना है ये? 4:20 की बात है, सतीश के ढाबा नाराहट रोड, हाँ, विक्रम पब्लिक के बिल्कुल सामने। अच्छा, है आपका? रोहित सिंह परिहार। आपका क्या नाम है? गोविंद सिंह ठाकुर। रोहित, ये आपके कौन है जिनके साथ मारपीट हुई है? छोटे भाई। छोटे भाई, और आपके कौन है? भानेज। भानेज, क्या घटना हो गई, क्या बताया? घटना में तो यही हते, हम तो हते नहीं। हाँ, हाँ, कंपनी तो साइड पर ठेकाला है नगर पालिका को। हाँ, हाँ, जी हते भैया। हाँ, हाँ, इन्होंने जो घटना बताई वही हुई है? हाँ, वही घटना है। गोविंद, क्या हो रही है इसमें, कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी डॉक्टरी होगी, डॉक्टरी होकर थाने गए। थाने गए हैं? हाँ। क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है पुलिस? कह रही है पकड़ेंगे। पकड़ेंगे? अभी कोई पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया है। कितने लोग थे, कितने लोग बता रहे हैं? वो 6-7 लोग थे। हाँ, तीन के नाम जानते। हाँ, बाकी अज्ञात में, बाकी अज्ञात में है। हाँ। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। मैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हैं। ये अभी जो मारपीट का मामला आया है, किस तरह का ये मामला है?
ये आपसी लड़ाई मामला है आपस का। हाँ हाँ। और उनका नाम कल्लू है और इनकी चोटें आई हैं, इनका इलाज यहाँ हुआ है। कहाँ कहाँ चोटें हैं? इनके चोट कंधे में है और सिर पर है और पीठ पर है। पीठ पर है। चिकित्सा होकर के इनको रेफर कर दिया है ललितपुर रेफर के लिए।